दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी विलेज यानी गांव में रहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना कोई सर्विस सेक्टर से रिलेटेड अपना कोई बिजनेस शुरू कर दूं, तो सरकार आपकी उसमें क्या मदद कर रही है। जी हां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ये दोस्तों एक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक स्कीम है, जहां पर सरकार आपसे कह रही है कि भाई अगर आप एक सर्विस सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूं किसी भी तरह की, और उसके बदले में मुझे वो लोग कुछ मुझे प्रोफेशनल फीस दे और वो सरकार से अप्रूव भी हो, तो दोस्तों एक वेबसाइट आप नोट कर लीजिएगा, www.csc.gov.in। जी हाँ दोस्तों, ये कॉमन सर्विस सेंटर। मैं आज आपको बताऊंगा कि विलेज लेवल पर आप अपना एंटरप्राइज जिसके द्वारा आप सर्विस दे सकते हैं वो कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको इसकी मेन मेन बात बताता हूं कि भाई आखिर यहां आप इस सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनके लिए आप सर्विस दे सकते हैं और कुछ फीस चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, इन बहुत सारे सेक्टर्स में आप बहुत सारी सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट की सर्विस हो सकती हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस हो सकती हैं, या फिर जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी सर्विसेज हो सकती हैं। अगर वो सर्विस डिजिटली अवेलेबल हैं तो आप उन सर्विसेज को इस अपने कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा दे सकते हैं लोगों को। जैसे दोस्तों इसमें से अगर मैं आप बात करूं, आप यहां पर आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विस दे सकते हैं, आप लोगों का पैन कार्ड बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं, आप दोस्तों लोगों के पासपोर्ट बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं, आप किसी भी तरह के टिकट बुक करने में उनकी मदद कर सकते हैं, आप चाहें तो जो मोबाइल फोन है उनका बिल पेमेंट करने में मदद कर सकते हैं, ये सर्विस दे सकते हैं, आप फोन रिचार्ज में सर्विस दे सकते हैं, आप अगर ये जो डीटीएच का जो रिचार्ज है उसमें आप मदद कर सकते हैं, आप और जितने भी यूटिलिटी के बिल्स हैं उनके पेमेंट में आप मदद कर सकते हैं, जहां पर डिजिटली वो पेमेंट होता है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो या किसी और तरह का हो, आप इंश्योरेंस लेने में अपने जो आपके कस्टमर्स होंगे उनकी मदद कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोलने में मदद कर सकते हैं, आप पेंशन स्कीम अगर सरकार की है उसमें आप मदद कर सकते हैं, जितनी भी सरकार की जो एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं यानी जो डिजिटल लिटरेसी सिस्टम है उसमें आप सर्विस देने में मदद कर सकते हैं, जितनी भी हेल्थ स्कीम्स हैं सरकारी उनमें आप मदद कर सकते हैं, एजुकेशन के बारे में आप मदद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की जो स्कीम है वो भी आप अपने जो आपके कस्टमर होंगे उनको देने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग एलिजिबल हैं ये कॉमन सर्विस सेंटर को खोलने के लिए। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि कौन लोग हैं जो ये अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपने ही गांव में, अपने ही विलेज में। जी हां, अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से ज्यादा है, साथ में जो आपकी क्वालिफिकेशन है, कम से कम आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा जरूर पास कर रखी हो, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और आप फ्लुएंट होने चाहिए जो आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसको और इंग्लिश को समझने के लिए। तो दोस्तों ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है अगर आप अपना ये सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं। तो अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपना ये कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी खोल सकते हैं। दोस्तों मैं आप बताऊंगा आपको कि भैया अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है जी मैं तो ये सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, मैं अपने ही गांव में ये कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहता हूं और मेरी जो एलिजिबिलिटी है, मैं 18 साल से बड़ा भी हूं, मैंने 10वीं पास भी कर ली है, मुझे कंप्यूटर की भी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, तो भाई मैं कैसे इसको शुरू करने के लिए मेरे पास क्या चीजें होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में। तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए एक पीसी जिसमें आपके पास लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो का है वो होना चाहिए, आपके उस कंप्यूटर में सीडी
या डीवीडी ड्राइव होना चाहिए। आपका जो कंप्यूटर है उसका बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, यानी उसमें कम से कम 120 GB की हार्ड डिस्क होनी चाहिए और 512 MB का उसमें रैम होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आपके पास एक UPS सिस्टम होना चाहिए, या तो ताकि ऐसा ना हो कि भैया कस्टमर आए, बिजली चली जाए, आप कहो कि भैया जब बिजली आएगी तब दोबारा आना और आपके जो कस्टमर हैं वो परेशान हो। तो या तो आपके पास एक पोर्टेबल जनरेटर सेट होना चाहिए जिससे आपका ये जो कंप्यूटर है ये चल सके। साथ में दोस्तों आपके पास एक प्रिंटर भी होना चाहिए, कलर प्रिंटर। आप उसके अलावा आपको चाहिए दोस्तों वेबकैम होना चाहिए या फिर आपके पास डिजिटल कैमरा होना चाहिए। ये काम अब आप अपने, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास बायोमेट्रिक या IRIS का जो स्कैनर होता है जो ऑथेंटिकेशन के लिए, वो भी आपको लेना पड़ेगा। आप आधार वगैरह का काम करना चाहते हैं तो बेसिक दोस्तों ये मैंने आपको बता दी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आपको ये जो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बताई हैं ये आपको अरेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको कि आखिर ये जब आप डिसाइड कर लें, ये देख लें आप एलिजिबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी भैया आपके पास है, अब आप कहाँ जाएं ये अपना सेंटर शुरू करने के लिए। दोस्तों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब आपको बताऊंगा पहले कि आप ऑनलाइन इसके लिए कैसे अप्लाई या अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अब ये डिसाइड कर लिया है कि भैया मुझे तो अपने गाँव में, अपने विलेज में ये सर्विस शुरू करनी है और वहीं अपने गांव में रहकर अपना बिजनेस चलाना है और कुछ पैसे भी कमाने हैं, तो आपको विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनना है इस कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। तो आपको दोस्तों एक वेबसाइट है, मैं बता रहा हूं आपको, उस पर जाना है www.csc.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे दोस्तों तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको ये और बता दूं आपको पहले कि ये प्रोसेस शुरू करने से पहले जो कुछ चीज़ें हैं आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको दोस्तों अपना एक फ़ोटोग्राफ चाहिए और ध्यान रखिए कि जब आप वो फ़ोटोग्राफ अपना JPG फाइल में सेव करके रखें तो उसकी जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा ना हो। और साथ में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने CSC सेंटर जहाँ आप खोलना चाहते हैं उसके बाहर का और अंदर का फोटो भी इसी साइज के आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, वो आप स्कैन करके रख लीजिएगा। आपको अपना एक जो बैंक अकाउंट है उसके लिए आपको अपने एक चेक को कैंसिल करके उसको भी कहीं स्कैन करके आप रख लीजिएगा। और आपके अपने जो KYC डॉक्यूमेंट हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट है, इलेक्शन कार्ड है, वो जो KYC डॉक्यूमेंट है वो आप रख लीजिएगा स्कैन करके। और साथ में दोस्तों आपके पास आपका आधार कार्ड, वो भी आप स्कैन करके रख लीजिएगा। और साथ में ये देख लीजिएगा कि जो आपका आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लिंक होना चाहिए। अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल का एड्रेस भी चाहिए ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मुझे CSC खोलना है अपने विलेज में, तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप जाइएगा csc.gov.in वेबसाइट पर, वहां आप देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन नाम का एक टैब है, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको दोस्तों अपना मोबाइल नंबर यहां पर डालना है और वो जो कैप्चे आएगा आपको, वो कुछ नंबर्स आपको दिखाई देंगे, आपको सेम नंबर वहाँ टाइप कर देने हैं, आपको सबमिट कर देना है। आपके पास OTP आएगा आपके इस मोबाइल नंबर पर जो आपने अभी डाला है, वो आप दोबारा से वो नंबर जो OTP आया वो यहाँ डालिए, फिर सबमिट कीजिए। दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आपके पास OTP आएगा, फिर आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि आपका जेंडर क्या है, यानी मेल है या फीमेल है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देनी है। इसके अलावा दोस्तों आप जिस स्टेट में अपना ये CSC खोलना चाहते हैं वो स्टेट भर दीजिएगा। वो फिर आपसे पूछेगा कि भाई उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में आप खोलना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के किस गांव में आप खोलना चाहते हैं, वो डिटेल आप यहां पर दे दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद आपसे यहां पर पूछा जाएगा कि भैया जिस नाम से आप अपना सेंटर ये खोलना चाहते हैं CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, उसका नाम आप क्या रखेंगे वो बता दीजिएगा। वहाँ का एड्रेस आपसे पूछा जाएगा,
वो सही सही बिल्कुल एड्रेस वो आप बता दीजिएगा। आपका पैन नंबर यहाँ पूछेंगे, आप अपना पैन नंबर भर दीजिएगा, साथ में अपने बैंक की डिटेल, यानी किस बैंक में आपका अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, क्या अकाउंट नंबर है, आपके बैंक का IFSC कोड क्या है वो आपसे पूछा जाएगा, वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और साथ में आपसे KYC की जो डिटेल है, कौन सा KYC डॉक्यूमेंट है और उसका क्या नंबर है, वो भी आपसे पूछा जाएगा, वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे इसमें आपका फोटोग्राफ भी मांगा जाता है और आपके जो प्रपोज सेंटर है उसके बाहर का और अंदर का एक एक फोटो भी यहाँ पर मांगा जाएगा। और दोस्तों फिर आपको कुछ ये जो डॉक्यूमेंट है ये अपलोड करने पड़ेंगे, इनको अपलोड कर दीजिएगा। आपको एक स्पेशल ईमेल एड्रेस भी उनके द्वारा मिल जाएगा और लीजिए। अब जब आप इसको रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि आपके पास रिव्यू करने का ऑप्शन है कि भैया देख लीजिएगा एक बार अच्छे से कि आपने जो डिटेल भरी वो सब ठीक तरह से इसमें भरी गई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई और गलती तो नहीं छूट गई, आप उसको देख लीजिएगा। और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तो आप दोस्तों फिर इसको सबमिट कर दीजिएगा। और लीजिए आपके मोबाइल पर और आपकी मेल ID पर एक मैसेज आ जाता है जहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा कभी भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों बस आपको इसके बाद एक काम और करना है कि आप ये जो एप्लीकेशन है इसका प्रिंटआउट ले लीजिएगा और जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड किए हैं उन सबको एनक्लोज करिएगा, उनको सेल्फ सर्टिफाई करिएगा और अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो आपके जो जिलाधिकारी महोदय हैं वहां जाकर ये सबमिट कराइएगा ओरिजिनल कॉपीज में। और दोस्तों फिर आप इंतजार कीजिए कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हुए तो आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा CSC का, और अगर उसमें कोई कमी रही तो रिजेक्शन का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आप उसको दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई कमी रह गई। दोस्तों एक खास बात और, इस प्रोसेस में सरकार आपसे कोई फीस नहीं ले रही है। जी हाँ, ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो CSC सेंटर आप खोलना चाहते हैं, इसकी सरकार को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मैंने बताई उन पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों एक बात और, अब अगर आप ये चाहें कि भैया मैं ये भी तो देख लूं कि मेरे एरिए में पहले से कितने ये CSC सेंटर चल रहे हैं, यानी मैं पहले लोकेशन देख लूं कि जहां मैं लगाना चाहता हूं वहां पर उस जिले में उस जगह पर कितने चल रहे हैं, मेरे लिए मार्केटिंग स्कोप क्या रहेगा, तो दोस्तों उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। आपको एक वेबसाइट में दे रहा हूं यहां पर, locator.cscloud.in। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैंने लिख भी दिया है, आप देख लीजिएगा। तो ये locator.cscloud.in इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी जगह के देख सकते हैं कि वहां पर कितने CSC सेंटर और किस किस लोकेशन पर कहां कहां ऑलरेडी ऑपरेशनल है। आप चाहें तो वहां जाकर कोई विजिट भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि भैया उनका कैसा बिजनेस चल रहा है, ठीक चल रहा है, कुछ पैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी उन्होंने बनाई है, मुझे उसमें क्या और इजाफा करना चाहिए, तो ये जाकर आप देख लीजिएगा और फिर आप अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और खबर देता हूं यहां पर, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं कि अगर आपको अब भी लगता है कि नहीं कुछ चीजें ऐसी बाकी रह गई हैं जो आप और जानना चाहते हैं, तो मैं इनका आपको एक हेल्पलाइन नंबर देता हूं, 1-800-300-3468, यानी 1-800-300-3468। आप दोस्तों इस नंबर पर डायल करके अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप जान सकते हैं, इस नंबर से अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि ये एक मैंने आज आपको ऐसा एक बिजनेस बताया जो सर्विस सेक्टर में है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और आप तुरंत इसको शुरू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप प्लीज इस MSME हेल्पलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई साहब सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज इस बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों फिर आप इस MSME हेल्पलाइन को लाइक कीजिए और साथ में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और कि अब हमने शुरू कर दी है
एमएसएमई की पाठशाला भी। तो अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो प्लीज प्ले स्टोर में जाइए, ये एमएसएमई की पाठशाला टाइप कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए। अभी तो यहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत जल्द हम एक साल का दोस्तों एक पूरा कोर्स शुरू करने जा रहे हैं यहां पर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आप अपना बिजनेस शुरू करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको बिजनेस के लिए चाहिए वो जान सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस एमएसएमई की पाठशाला को डाउनलोड कीजिए और अपने सुझाव मुझे यहाँ कमेंट्स के द्वारा जरूर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।